दिखाते हैं बास्केटबॉल का पंचर कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए पंचर कहाँ पर है, यहाँ पॉइंट डाल के आप चेक करते हैं। पॉइंट डाला आपने, यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से लीक हो रहा है, देखो बुलबुले उठ रहे हैं, इसका वाला पंचर यहीं पर है। एक पेन लेके आप यहाँ पहले मार्क कर ले, इस जगह को आप मार्क कर ले, इस जगह को मार्क कर ले, पंचर यहीं पर है। और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, पिन लेना, पिन से आपने इसको डाल के इसको डिफ्लेट कर देना, हवा निकाल देनी सारी। हमने इसकी हवा निकाल दी सारी, अब इसके अंदर हवा नहीं है, प्रेशर नहीं है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पे एक फेविक्विक लेके, फेविक्विक आता है नॉर्मल फेविक्विक, जो बाजार से मिला था फेविक्विक लेके आपने उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना, उस जगह पर अप्लाई कर देना। ये फेविक्विक इस पर लग गया, अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि सूख जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसका जो अप्लाई किया था फेविक्विक वो सूख गया है, अब हम इसको दोबारा से इन्फ्लेट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसको हवा भर दी है, अब हम चेक करेंगे पंचर इसका, हम पॉइंट डालते हैं इसके ऊपर, देखो अब इसका पंचर पूरी तरह लग चुका है, कहीं पर भी कोई बुलबुले नहीं उठ रहे हैं। तो ये था दोस्तों कैसे आपकी बास्केटबॉल को ठीक किया जाए। धन्यवाद।